ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। पखांजूर ब्लॉक में भी आई फ्लू ने अपनी दस्तक दे दी है, जहां कई लोग कंजक्टिवाइटिस से संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के पखांजूर के बड़ा गांव बालक छात्रावास में शिविर लगाया, जहां 12 छात्र छात्राएं संक्रमित पाए गए। वहीं बांदे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी 18 लोग आई फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। लक्षण है कि आंखों में जलन होना, आंखों में कांटे जैसा चुभना, आंख लाल होना और किसी किसी में चिपड़ा भी आता है और पलकों में सूजन भी होती है। यह सामान्यतः 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। इससे बचाव का तरीका यही है कि संक्रमित व्यक्ति चश्मे का उपयोग करे, संक्रमित व्यक्ति भीड़ भाड़ इलाके में न जाए और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जो आ रहे हैं वो कृपया उनसे हाथ न मिलाएं, क्योंकि यह छूने से ही फैलता है, उसके और आँख देखने से नहीं फैलता है। उसके संक्रमित व्यक्ति के द्वारा यूज किए हुए जो ये हैं, जैसे तौलिया हुआ या अन्य कुछ जो सामान हैं जो संक्रमित व्यक्ति यूज करता है, उसको यूज करने से फैल सकता है। सर, आई फ्लू से क्या आँख में कुछ डिफेक्ट हो सकता है? ये बहुत नगण्य सी है, अगर बहुत ज़्यादा अगर ये होता है तभी उसमें डिफेक्ट होता है, नहीं तो ये सामान्यतः 3-4 दिनों में ठीक हो जाती है। मैं लोगों से यह अपील करता हूँ कि कृपया अगर आपको आई फ्लू हुई है तो कृपया अस्पताल में आकर संपर्क करें और भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं, काला चश्मा पहने। न्यू वीडियोज की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।